प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरजू काजमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि आजकल हमारे प्यारे देश भारत में आए हैं। तो चलिए जानते हैं उनका भारत के बारे में क्या सोचना है और भारत में उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी आरजू जी, आपने इनवाइट किया है तो मैं हाजिर। बोले सर आप इंडिया में हैं और अब हर बार मैं जेलिस हो जाती हूँ, कभी आप पहुंच जाते हैं कभी ताड़ो सा पहुंच जाते हैं, और मुझे उसके बाद देख देख कर मैं भी बड़ा मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ। लेकिन अभी आप बताइए कि आप, मैंने सुना प्रयागराज जा रहे हैं, क्या शेड्यूल रहेगा आपका, ताकि हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं और अगर कोई प्रयागराज से तो वो आपसे मिल सकें। हाँ जी, ये प्रयागराज, क्या नाम है इसका, प्रयागराज इलाहाबाद जो है, मैं इस तरह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों ने पहले तो अग्री कर लिया, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। यही लखनऊ का हाल हुआ है, यही कानपुर का हुआ है। तो अलबत्ता बनारस में जा रहा हूँ 2 तारीख को वाराणसी, और 7 की सुबह को फिर एक ट्रेन चलती है वंदे भारत, वो लेके तो मैं ये इलाहाबाद आ जाऊंगा। वहाँ पे कुछ दोस्त, उन्होंने इंतज़ाम किया है मुझे साइट सीइंग कराने का। तो एक तो मैं आनंद भवन जो है म्यूज़ियम देखना चाहता हूँ, ये मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। फिर जहाँ पे संगम है, जहाँ पे ये जो दो रिवर्स का जो हिंदुइज्म के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और फिर आरजू, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया और जब मैं प्रॉमिस करूँ आई कैन नेवर विदड्रॉ, तो आप लोगों का जो घर है ना अबाई, वो भी जाना है देखने। और वहाँ एक जो रहते हैं साहब, वो मुझे वहाँ लेके जाएंगे। तो 5 बजे की अलबत्ता फ्लाइट लेके फिर मैं वाया लखनऊ दिल्ली वापस आ जाऊँगा 7 को ही। सो ये प्रोग्राम है। बाकी 2 को जाके वो हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में मेरी 2 टॉक्स हैं, 3:30 बजे 3 तारीख को और 4 तारीख को भी। वो इश्तिहार लग जाएंगे, बन जाएंगे, तो वो भी मैं कर दूंगा। लेकिन बनारस में अगर कोई मेरी टॉक सुनना चाहे तो वो हिंदू यूनिवर्सिटी में 3:30 बजे 3 और 4 तारीख को है। और मैं जो बताना चाहता हूँ कि इतना शोर मचता है पाकिस्तान में कि मुसलमानों से ज्यादती होती है, ये वो, शायद कुछ इलाकों में यूँ हो, लेकिन अब मैं और मेरी बेगम मिलिया हम दूर दराज जगह पे भी हो आए हैं। हाँ जी, ऊटी एक ऊंची पहाड़ी है, वहाँ कोई हम 4-5 दिन रहे, हर रोज़ हम अजान 2 दफ़ा सुनते थे। हाँ जी, रास्ते में आते हुए हर जगह मस्जिदें हैं, रमज़ान का ज़माना है तो लोग उसी एहतराम से वो अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे मुसलमानों की जो है ना ये रिलीजियस फ्रीडम वो फ्रीली एंजॉय ना करते हो। साउथ इंडिया वैसे भी मुख्तलिफ है नॉर्थ इंडिया से, ये सब झगड़ों की जड़ जो है ना वो नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान, ये इलाके की कोई हिस्ट्री ऐसी है। लेकिन साउथ के लोग जो हैं बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल, वो आपसे पता नहीं 100 गुना ज़्यादा भी अगर अमीर होंगे तो उनके अप्रोच के अंदर बहुत वो क्या कहते हैं ह्यूमिलिटी है। तो आज मसलन मैं ये पिछले 26 तारीख को हैदराबाद आया था, वहाँ पे है गुरु स्वामी सेंटर, बड़ा उनका बहुत बड़ा एक है वो फोरम, जहाँ पे मेरी डिस्कशन हुई मोहन गुरु स्वामी साहब से, जो के फाइनेंशियल एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के। और टॉपिक यही था कि क्या पार्टीशन वाज गुड और बैड फॉर इंडिया। तो वो पूरी रिकॉर्डिंग हमने लाइव शो की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, वो भी मैं पुट अप कर दूंगा। फिर वहाँ पे कल हम गए हुए थे
सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, वहाँ पे था कि हैदराबाद की इंटीग्रेशन के मुतल्लिक आप बताएं। फिर वहाँ उनकी यूनिवर्सिटी है, उनकी तीन सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं लॉ की, एक बेंगलोर में, एक दिल्ली में और एक हैदराबाद में, नलसर। ये नेशनल एकेडमी ऑफ लॉ एंड रिसर्च, वहाँ पे मेरा लेक्चर था 27 तारीख को, जिना साहब जो किताब है उसके ऊपर। तो हर दिन मेरा जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मेरी ये डिस्कशंस होती हैं लोकल लोगों के साथ, अखबार जो हैं वो आ जाते हैं। वो मुझे जो फेस, वो जो YouTube पे गालियाँ ये लोग देते थे ना, वो मुझे हिंदुस्तान की गलियों में नहीं मिले। गलियों में तो लोग वही मिले हैं जो पहचान लेते हैं, और कोई मेरे घुटने को, कोई पाँव को, कोई मेरे गले मिल जाता है। तो आई एम श्योर कि यहाँ के लोग भला मानस, अच्छे शरीफ लोग हैं। तो जो लोग गालियाँ देने वाले हैं वो एक लॉबी है, जिसको शायद मुझे जो खबर है कि उनको पैसे मिलते हैं ये बात करने की, वो जानते भी नहीं वो किसके मुतल्लिक कह रहे हैं। तो खैर, आई एम नॉट मेट एनीवन। दुकानों में जाएं तो वहाँ लोग मुझे पहचान लेते हैं, सिर्फ मेरी वीडियोस देखी हुई हैं। और इसके अलावा कईयों ने मेरी किताबें पढ़ी हैं, मुझे ऑटोग्राफ करना पड़ा। और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मेरे करीबी दोस्तों ने मेरी किताब पूरी नहीं पढ़ी हुई। तो किताब पढ़ने का कल्चर हिंदुस्तान में बहुत है, और हमारे में अगर है तो वो एक्सेप्शन टू द रूल है। तो इसीलिए मैंने देखा है इंडिया की जो तरक्की है वो ऑलराउंड है, किसी एक चीज में नहीं है। ठीक है, गुर्बत ये वो, लेकिन आज से 10 साल पहले जो गुर्बत नजर आती थी वो अब नहीं नजर आती। हमने पूरा हिंदुस्तान फिर के देख लिया है। अभी भी ठीक है, बहुत एफर्ट चाहिए और वो हो भी रहा, लेकिन वाह भाई वाह, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। हाँ, उनके इलेक्शन पे मैंने कोई ओपिनियन, मैं समझता हूँ, नहीं देनी चाहिए। मैं एक गेस्ट हूँ और क्योंकि लोग मेरी बात बहुत सुनते हैं तो उनके इलेक्शन में आई शुड नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। लेकिन जो पल्स है ना एक मुल्क की, वो उसके लोग होते हैं। तो लोगों में तो जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने आज अपनी फेसबुक पे मैंने रिकॉर्ड की अजान, एक तो हर जगह हमने सुनी, अब गोलकंडा फोर्ट से निकलते हुए हैदराबाद में वो अजान हो रही थी जोहर की शायद, वो मैंने पूरी रिकॉर्ड लगा के लगा दी है अपनी फेसबुक पे। और मैं कहा यार खुद सुन लो, अगर जहाँ पे लोग डर के रहते हैं वहाँ इस तरह अजान होती है। हर जगह मुसलमान जो हैं अपनी आज़ादी के साथ मुझे तो नज़र आए हैं। हाँ, झगड़े भी होते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है, वो मैं जानता हूँ सारा कुछ, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज इलेक्शन टाइम। बिल्कुल ऐसे, खैर इस तरह के झगड़े तो सर हर जगह होते हैं, जहाँ पे भी चार लोग रहते हैं उनमें ये बात हो जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक इमेज बनाई जाती है उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि मीडिया बंद है। बिल्कुल नॉनसेंस है, ये तो नहीं हो सकता कि मैं इतने शहरों में घूम के आया हूँ तो मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने हर मस्जिद में रॉ के एजेंट बिठा दिए हैं जो अच्छी तरह मुझे मिले, क्या बकवास है। बिल्कुल, लेकिन सर वो यही है ना कि प्रोपेगेंडा जो हमारे यहाँ किया जाता है, जैसे आप कह रहे हैं, बल्कि बहुत से लोग जिनसे आप मिले हैं इस बार भी आपके, और लास्ट टाइम भी, और इस बार भी जब आप गए, बहुत से लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट किया है, कई आपकी पिक्चर्स जो है मुझे व्हाट्सएप की कि यहाँ पर आए थे हमारे साथ मिले, और कई लोगों ने जो है वो बात की है। तो उनको देख कर तो यही लगता है कि यकीनन लोग बहुत प्यार करते हैं, और लोग बहुत अच्छे, बहुत इज्जत, बहुत प्यार, और जो दावतें हुई हैं उनका जवाब नहीं, दिल भी इनका बहुत खुला है, मैंने तो ये देखा है। हाँ जी, तो कोई कमी मैंने तो देखी कोई नहीं, बल्कि मुझे दुख है कि हमारी जो अपनी मिडिल क्लास जो एक ज़माने में ठीक ठाक होती थी वो बहुत कम हो गई है, चंद लोगों के पास ही पैसा है। यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सो इंडिया और पाकिस्तान की कंपेरिजन करने का टाइम जो है ना वो बेकार है। India belongs now to the success story, great success story. Remember, 1.4 billion लोग इस मुल्क में रहते हैं। जुबान
बदल जाती है, एथनिसिटी भी फर्क नजर आता है। हाँ जी, मज़हब कई हैं, लेकिन मैंने देखा है हिंदू मुसलमान सारे मुझे सुनने आए होते हैं और कोई मेरे सामने ड्रामा नहीं होता। उनकी दोस्तियाँ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी किसी की होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों में या मोहल्ले के अंदर, जैसे एक नॉर्मल जिंदगी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, और क्योंकि मुझे मौका मिलता है, तो मैं सच जो है वो पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान भी महफूज हैं, इस्लाम भी महफूज है। हाँ, कुछ इलाकों में ये इस किस्म का झगड़ा होता रहता है, वो खबरें मेरे पास भी हैं। वो बात तो हर जगह हो सकती है, जहाँ भी कुछ लोग रहेंगे तो जाहिर है एक दूसरे में थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन वो हालत नहीं है जो पाकिस्तान में बताई जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पे जो न्यूज़पेपर लोग चेक करते हैं उसके ऊपर भी ब्लॉक लगाया हुआ है पाकिस्तान ने, वो भी नहीं वेबसाइट खुलती हमारे यहाँ न्यूज़पेपर। मैंने कई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखे हैं भारत के, वो मैं खुद ही नहीं पढ़ सकती जो उन्होंने ब्लॉक किया है। और इसी तरीके से टीवी चैनल्स भी नहीं आते, तो कई लोग सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और वहीं से कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जो है। हमारा काम है सच लोगों तक लाना, किसी का प्रोपेगंडा करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है और जो महसूस किया है वो ही आई एम शेयरिंग विथ यू। और लोग मेरी इज्जत इसीलिए करते हैं कि मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करता, मैं कोई डंडी नहीं मारता। हाँ जी, हर महफिल में अगर मेरी राय वो मांगे तो मैं पूरी खुल के राय अपनी भी देता हूँ, तो इस तरह ही होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और डॉक्टर इश्तियाक अहमद का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और भारतीयों के बारे में। और जैसे कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि वो किस शहर में और किस शहर में जाने वाले, और एक बात उन्होंने खास की, जहां पे भी वो गए उन्हें सिर्फ प्यार मिला। और जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि या भारत में माइनॉरिटीज को जीने नहीं दिया जाता या फिर तंग किया जाता है, उस सबको डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने सरे से नकार दिया। ये मुंह तोड़ जवाब है उनके ऊपर जो हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।